ओके लेट्स लुक एट टाइप्स ऑफ इन्वेंट्रीज बट बिफोर वी गो इनटू टाइप्स ऑफ इन्वेंट्रीज लेट्स डिस्कस व्हाट आर एक्चुअली इन्वेंटरीज और उधर से फिर हम देखेंगे कि अब क्या कि, 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 किन किस्मों की इन्वेंट्रीज होती हैं इन्वेंट्रीज क्या है बेसिकली इन्वेंटरीज फिनिश प्रोडक्ट जो के सेल uh, uh, के लिए हमने रखा हुआ है फॉर एग्जाम्पल रिटेल स्टोर के अंदर आप जाएँ किसी रिटेल स्टोर में उस उनके शेल्फ के ऊपर भी पड़ी होंगे और उनके स्टोर के अंदर भी कुछ आइटम्स पड़े होंगे दैट इज इन्वेंट्री जो कि सेल के लिए आपने रखी हुई है गुड्स इन वेयर हाउस मैन्युफैक्चरिंग फर्म है एक तो उनका स्टोर से फैक्ट्री में उधर कुछ इन्वेंट्री होती है फिर वेयर हाउस उन्होंने बनाया हुआ से सेंट्रल एरिया में क्योंकि उसने पूरे पाकिस्तान के अंदर सप्लाई करना है तो वो सेंट्रल वेयर हाउस रखा हुआ है उधर आपने इन्वेंट्री बिल्ड की हुई है तो वेयर हाउस के अंदर जो भी पड़ा होगा गुड्स वो कंसिडर होगी एज ए इन्वेंट्री फिर देर इज सम आइटम्स इन प्रोसेस बेसिकली उसके स्टेज में होते हैं वर्क इन प्रोसेस किया है कि देर देर आर टू लेट्स से वर्क स्टेशन जहां ऑपरेशन uh, परफॉर्म हो रहा है और जो यूनिट्स uh, हैं वो ना uh, अपस्ट्रीम वर्क स्टेशन के पास वो यूनिट्स हैं ना डाउनस्ट्रीम के पास हैं वो इन बिटवीन कहीं लाइव कर रहे हैं कि जब ये डाउनस्ट्रीम वाला मांगेगा तो ये आगे उसके पास चले जाएंगे तो इसको कहते हैं वर्क इन प्रोसेस ये इसके ऊपर अभी प्रोस काम होना है कुछ होगी है कुछ इसके ऊपर काम रहता है फिर देर आर गुड्स इन ट्रांजिट आपने से ऑस्ट्रेलिया से रॉ मटेरियल मंगवाया है वो जो उधर का वेंडर है उसने वो शिप कर दिया है आपके पास अभी तक पहुंचा नहीं है तो इट इज़ इन ट्रांजिट शिप के ऊपर वो कंटेनर आ रहा है तो वो इन uh, ट्रांजिट होगा फिजिकली ना आपके हाथ में है ना सेलर के हाथ में तो दैट इज गुड्स इन ट्रांजिट तो उसको इन्वेंट्री कंसिडर किया जाता है uh, स्टाफ़ सर्विस के लिए स्टाफ हायर करते हैं तो हम कहते हैं कि ये है हमारे इन्वेंट्री के तौर पर हम उसको कंसिडर कर लेते हैं ठीक, क्योंकि उसको यूज़ किया जाता है सर्विस वगैरह टू मीट सर्विस नीड्स फिर फाइनेंशियली कंट्रोल्ड आपकी अपनी रॉ मटीरियल है वर्क इन प्रोसेस है uh, uh, ये जो uh, क्या कहते हैं एंड फिनिश प्रोडक्ट है और सर्विस का कुछ है जो आपने रखा हुआ है फॉर एग्जांपल रूम्स वगैरह तो उसको भी इन्वेंट्री के अंदर कंसिडर किया जाता है अच्छा इन्वेंट्री सर्विस के अंदर जो इन्वेंट्री है वो सर्विस के लिए जो चीज़ें हम यूज़ करते हैं उसकी इन्वेंट्री होती सर्विस की एज सच इन्वेंट्री नहीं होती हम ये नहीं कह सकते कि ये हमने इन्वेंट्री के तौर पर रख लिया है ठीक है ना हाँ ये है कि जी रेस्टोरेंट है उसने सर्व करना है तो उसके डिशेस उसके फूड आइटम्स जिसकी इन्वेंट्री होगी लेकिन जो आपको फूड उसने सर्व किया और आपने वो टेस्ट किया खाया सेटिस्फाइड हुए तो वो सर्विस के तौर पर हम उसकी जो सर्विस वो प्रोवाइड कर रहा है उसको हम इन्वेंट्री नहीं कंसिडर uh, करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्वेंट्रीज वन इज़ पाइपलाइन इन्वेंट्री विच इज़ ऑल्सो जिसको हमने लास्ट uh, स्लाइड uh, के अंदर इन ट्रांजिट इन्वेंट्री कंसिडर किया दैट इज पाइपलाइन इन्वेंट्री पाइपलाइन का नाम uh, ऑयल इंडस्ट्री से आया कि जी ऑयल इंडस्ट्री सप्लाई करते हैं ऑयल टू पाइप तो वो पाइप के अंदर जो ऑयल रह जाता है जबकि जो टैंकर में फिल कर रहे होते हैं ऑयल उसका वो शट डाउन कर देते हैं और उधर से जो सेलर है वो आ, अपने एरिया से भी बंद कर देता है तो देर इज ऑयल लाइंग इन द पाइपलाइन तो उसको पाइप uh, का नाम दिया गया और उसको पाइपलाइन इन्वेंट्री कहते हैं स्पेकुलेटि uh, इन्वेंट्री है कि आपने गुड्स uh, परचेज कर लिए हैं एंटिसिपेशन ऑफ प्राइस इंक्रीज आप स्पेकुलेट कर रहे हैं और उस बेसिस के ऊपर आपने इन्वेंट्री लार्ज इन्वेंट्री अपने पास रख ली है रेगुलर साइक्लिकल सीजनल इन्वेंट्री बेसिकली ये रेगुलर इन्वेंट्री होती है सीजन uh, आ रहा है सीजन के लिए आपने रखा है Uh, उसके अंदर हम स्पेकुलेशन इसको नहीं कंसिडर करते क्योंकि ये ओवर द पीरियड होता रहता है डिमांड आती रहती है और हम उसको सप्लाई करते रहते हैं देन देर इज़ सेफ्टी इन्वेंट्री सेफ्टी इज़ बेसिकली आपके डिमांड uh, uh, और सप्लाई में देर इज़ अनसर्टेनिटी तो उस अनसर्टेनिटी को के अगेंस्ट आपने अपने आप को सेफ uh, रखना है तो उसके लिए आप सेफ्टी स्टॉक मेंटेन करते हैं और उसके बेसिस के ऊपर ये आपकी इन्वेंट्री बढ़ जाती है रेगुलर इन्वेंट्री से ज़्यादा हो जाती है सेफ्टी स्टॉक इन्वेंट्री आ जाती है इसके अंदर लास्टली इट इज़ बेसिकली ऑप्सुलीट और डेड स्टॉक उसकी भी इन्वेंट्री होती है फिर उसको डिस्पोज ऑफ़ करने का डिफरेंट तरीके होते हैं इट इज़ नॉट जैसे कि दूसरी इन्वेंट्री को हम कर रहे हैं वो डिमांड बेस के ऊपर ज़्यादा होता है ये ऑप्सुलीट और डेड स्टॉक अच्छा खासी इन्वेंट्रीज की आती है स्टॉक uh, अगर आपने बहुत ज़्यादा इन्वेंट्री इन एंटिसिपेशन रख ली है और वो प्रोडक्ट जो है वो मार्केट uh, से ख़त्म हो गया है उसको कोई बाय करने के लिए नहीं है ऑप्सिट हो रहा है तो उसके लिए फिर ये इन्वेंट्री आपकी जो पड़ी हुई है डेट इज़ ऑप्सिलीट और डेड स्टॉक की इन्वेंट्री जिसकी फिर वैल्यू कोशिश की जाती है कि हम उसकी कुछ इसमें से निकाल लें अदरवाइज उसका कोई वर्थ नहीं होती